श्रीरामपुर शहर महानगरपालिका नव नियुक्त आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया, मालेगांव से यानी नासिक जिले से भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका का उन्होंने चार्ज लिया और चार्ज लेकर आज पांचवा दिन है। आज भिवंडी शहर के पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरा पहला लक्ष्य भिवंडी शहर में कोरोना को कंट्रोल करने का है। इस ताल्लुक से संबंधित अधिकारियों से उनकी बातें भी चल रही है, कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। भिवंडी शहर के रईस हाई स्कूल को क्वारंटाइन के लिए तैयार किया जा रहा है और एक बड़ी कामयाबी यहां से मिलेगी। उन्होंने बताया पत्रकारों के जवाब में कि भिवंडी शहर के पोगांव क्षेत्र में जो क्वारंटाइन करने के लिए 350 बेड की तैयारी की जा रही थी, सर्वे किया गया है, अभी तक कोई मामला फाइनल नहीं हुआ है। बहरहाल सूत्र जहां तक बताते हैं वहां काम भी शुरू है और इस तरह के कई मामला। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ ये था कि कोरोना पेशेंट अपने घरों में छुपे ना रहें या लोग उन्हें छुपाने की कोशिश ना करें, उन्हें बाहर लाने की कोशिश करें ताकि उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि एक कोरोना पेशेंट अगर अपने घर में रहेगा तो ना जाने कितने लोग उससे बढ़ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर पंकज आशिया की पूरी कोशिश यही है, आने वाले दिनों में भी और शुरुआत भी हो चुकी है, कि कोरोना पेशेंट जो हैं उन्हें कोशिश करके कम्युनिटी के जो लोग हैं, पंडित, मौलाना, नगर सेवक, पत्रकार, ये सभी लोग कोशिश करके उनकी मदद करें। हालांकि आमतौर से यही होता है भिवंडी शहर में, जब कोई महानगरपालिका आयुक्त आता है तो शुरुआत में बड़ी स्पीड में काम करता है और धीरे धीरे वो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि भिवंडी शहर में टॉप 10 नेताओं की एक यादी है जिसमें देखा जाए तो इस शहर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम है और कोरोना पेशेंट अब तक इसमें से एक भी नहीं मिला है। भिवंडी शहर के लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉप 10 की यादी है भिवंडी शहर से ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। तो ये देखना है कि डॉक्टर पंकज आशिया को ये टॉप 10 की जो यादी है मैनेज कर पाती है या नहीं, या डॉक्टर पंकज आशिया इन टॉप 10 की यादी वाले नेताओं को डाउन कर देते हैं और शहर के विकास के लिए काम करते हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग इशू है भिवंडी शहर के लिए और हर आने वाले आयुक्त के लिए है, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर परवीन अष्टीकर थे, वो पूरी तरह से भिवंडी शहर में नाकाम थे क्योंकि टॉप 10 की यादी ने उन्हें मैनेज करके रखा था। मगर उनके पहले डॉक्टर योगेश मसे जब आए तो भिवंडी शहर के इन टॉप 10 की यादियों में हड़कंप मचा और वो किसी के आगे झुके नहीं, इसलिए उनकी बदली करा दी गई। भिवंडी शहर में एक खतरा ईमानदार अधिकारियों के लिए ये भी है। अब देखना ये है भिवंडी शहर के लोगों को कि डॉक्टर पंकज आशिया कैसे, किस तरह से भिवंडी जैसे इस शहर में काम करते हैं। मैं खान फकरे आलम। तो हम लोग नई क्वारंटीन फैसिलिटी अगले दो महीने में तैयार करके लेने वाले हैं, उसमें से कल नई स्कूल में काम भी शुरू हो चुका है। वहाँ पे 400 बेड का क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम को या फिर कल सुबह तक हम जल्दी शुरू कर देंगे। क्वारंटीन सेंटर पे अगले 3-4 दिन में और ज़्यादा काम होगा और शहर की दूसरी ज़रूरत के हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की कमी नहीं रहने वाली है, इसके ऊपर हमारी तरफ से कार्रवाई। सर कितने बेड का क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं? रईस पुल में 400 बेड का होगा और हमारा प्रयास ऐसा है कि हम अगले 3 दिन के अंदर कम से कम 1000 बेड का क्वारंटीन की फैसिलिटी और ऐड करेंगे, तो क्वारंटीन की कोई कमी शहर को रहने वाली है। सर पोगांव में जो बन रहा है, एक काफ़ी पूरे शहर में चर्चा है कि 350 बेड का पोगांव में क्वारंटीन सेंटर बन रहा था, लेकिन उस बारे में सर बताइए। हमारे पास हॉस्पिटल तैयार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन गोगांव में तैयार करने का था, उसके ऊपर हमने बहुत सारी जगह पे इंस्पेक्शन भी किया है और अगर बट इस बारे में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं, किस जगह पर जब फाइनल होगा तो उसमें आपको सूचना दे दी, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ पर वो हॉस्पिटल तैयार है। कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी वो है कि जो 5 चीज़ें ज़रूरी है, सबसे पहले तो जो पेशेंट आते हैं उनका पेशेंट का इलाज होना अच्छे से अच्छे ज़रूरी है ताकि मौतें कम हो, और उसके लिए ज़रूरी पेशेंट हमारे पास जल्दी से जल्दी है। सेकेंड बात हमको जो करनी होती है कि जो पॉजिटिव पेशेंट आया है उसके सारे कॉन्टैक्ट को निकालना, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनको टेस्ट करना, उसके बाद में एक चीज़ होती है कि घर पे हम हमारी सर्वे टीम भेजती है, जो सस्पेक्टेड पेशेंट है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको और पहले से बीमारी है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें कोई सिम्टम है तो उनको उनके घरों से निकाल के हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटीन सेंटर में रखना। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन प्लान ये होता है कि कम्युनिटी में जो कम्युनिटी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं,
पॉलिटिकल लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे बात करना, कम्युनिटी का ट्रस्ट लेके कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए, कोरोना का जो डर है वो निकाला जाए, और कोरोना से जो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट घर से बाहर निकले, और तभी ये बीमारी से हम लोग लड़ पाएंगे, इस पर हमारा फोकस।